हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एस के हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। क्लास 11 इंग्लिश का होमवर्क है। आज का होमवर्क मॉडल्स से संबंधित है। 16 अगस्त का कार्य हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। तो यहाँ पे वर्ब्स के टाइप्स पूछ रहा है। दो तरीके के वर्ब्स हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। आंसर देखते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या भी लिख दी गई है, ये कुल मिलाकर के 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होते हैं वो अपने आप में दो भाग में विभाजित हैं, प्रिंसिपल और मॉडल। तो जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो 11 होते हैं और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो 13 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मूड्स। आप यहाँ पे मूड्स भी बता सकते हैं कि कौन सा मूड वो एक्सप्रेस करते हैं। वैसे यहाँ पे आपसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पूछा है तो हमने वही लिखा है। मे माइट, मे का पास्ट टेंस माइट है, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड। अब यहाँ से जो है इनके ये फॉर्म्स यही रहेंगे, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीडेंट एंड डेरेंट। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 13 जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट सिंपल टिप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग मॉडल्स। तो सिंपल टिप्स बतानी है जिससे कि हम मॉडल्स का प्रयोग करते हुए गलती नहीं करें। सम टिप्स आर, These are not affected by the gender and number of the subject. तो सबसे पहला और मुख्य नियम यही है कि ये सब्जेक्ट के जेंडर अर्थात लिंग और नंबर अर्थात वचन, यानी कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, स्त्री हो पुरुष हो वस्तु हो, वह किसी से भी प्रभावित नहीं होता, अपना रूप नहीं बदलता। He can swim, they can swim। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम जेंडर और नंबर की ही बात कर रहे हैं, टेंस की नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड, शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डू नॉट यूज़ टू आफ्टर दीज वर्ब्स। टू का प्रयोग इन क्रियाओं के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में नहीं किया जाता है। वी नेवर यूज़ एस ed ing with these verbs, इनके बाद में हम sed या ing का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो sed जैसे कि आपका ये एक तरीके से इसी नियम का ही अगला रूप हो गया यहाँ पे, तो वह अपना फॉर्म्स चेंज नहीं करता है। दीज वर्ब्स आर यूज बिफोर द प्रिंसिपल वर्ब। ये फिर से मुख्य नियम आ गया आपका कि यह जो है प्रिंसिपल वर्ब के पहले ही प्रयोग में होता है। अब प्रिंसिपल वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब है वाक्य का, वह जो मुख्य काम बता रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब। वी शुड रिस्पेक्ट आर टीचर्स। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है वो मुख्य वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है और शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि शुड इस मेन वर्ब के पहले, रिस्पेक्ट के पहले आया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फिलअप है ये, आई डैश, यूज टू या ऑट टू। हमें एक ऑप्शन का चुनाव करना है, एक्सरसाइज डेली इन माई यंग एज। तो स्टूडेंट्स, यूज टू का जो प्रयोग है वह पहले की किसी आदत को बताने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि पहले की आदत हम बता रहे हैं कि जब मैं यंग एज में था तो मैं एक्सरसाइज किया करता था, तो आपका उत्तर जो है यूज्ड टू इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और मैटर भी समझ में आया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई सजेशन हो वो भी बताया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।